दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नई वीडियो नई सीरीज में। आपने इससे पहले अयोध्या वाली सीरीज में बहुत प्यार दिखाया, उसके लिए दिल से बहुत शुक्रिया। ये सीरीज और रचनात्मक होने वाली है और एडवेंचरस होने वाली है, बस आपका प्यार इस सीरीज में पूरा चाहिए। ये सफर में हमारा हम सफर है हमारे जीजू। हाय गाइस, हम जुड़ चुके हैं इस सफर में, अब आपको लेके चलते हैं एक नई सफर की शुरुआत करने के लिए और मिलते हैं आपसे अगली जगह पर। और अभी हम यहाँ पे पीछे ट्रेन है हमारी दिल्ली पठानकोट एक्सप्रेस, जहाँ पे हम अंबाला ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सोचते हैं आपसे मुलाकात कर लेते हैं, आपको रूबरू करा लेते हैं कि हम हमारे साथ आप भी चले हमारी जर्नी पे। और इस जर्नी की मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ कि इस जर्नी में हम सरहद पार करने वाले हैं। आपने आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि हम सरहद पार करने वाले हैं। कब से आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि सरहदें बना दी गई, तो आज हम उसी सरहद को लांघने वाले हैं, टंकी के थ्रू नहीं बट एक जेन्युइन तरीके से। तो बने रहिए इस सीरीज में एंड तक और आपको लेके चलते हैं इसके बाद अगली जगह। तो ये आपको थोड़ा बिहाइंड द सीन्स भी दे देता हूँ। अगर आपने मेरी अयोध्या लखनऊ वाली सीरीज फॉलो करी होगी तो उसमें जब मैं कलिका हट जा रहा था तो उसमें मैंने एक चीज़ का जिक्र किया था कि कलिका हट किसने रिकमेंड किया है। कलिका हट रिकमेंड किया मेरे रीजू ने और वो इस ट्रिप में साथ में है। तो इस ट्रिप में भाई और भी नई खाने की जगह एक्सप्लोर होने वाली हैं। तो भाई अगर आप फूडी हो, अगर आप ट्रैवलर हो, सीरीज़ को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि दो फूडी जा रहे हैं सरहद लांघने। अमृतसर जंक्शन में आपका स्वागत है। सुन बड भागिया हरे अमृत बाणी राम, जिनको कर्म लिखे तिस हृदय समाणी राम। जिनको कर्म लिखे समाणी राम, सुन वड भागिया हरे अमृत बाणी राम, सुन वड भागिया। तो भाई सबसे पहले सत श्री अकाल सारे दर्शकों को। तो मैं अमृतसर आ पहुंचा हूं और यहां पे फटाफट से होटल में चेक इन कर लेने के बाद नहा धो के मैं सीधा आ गया गोल्डन टेंपल दर्शन करने के लिए। अब अंदर मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं है तो मैं वीडियो नहीं बना पाया, और बहुत ही अलौकिक दर्शन प्राप्त कर लेने के बाद मैं आ गया था यहां का लंगर चखने, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट और 24 घंटे चलने वाला लंगर है। यार इतने बड़े मकसद को अंजाम देने के लिए गुरु दरबार साहिब के दर्शन कर लेने तो बहुत ज़रूरी थे। तो अब यहां से लंगर चख लेने के बाद मैं आ गया बाहर लोकल मार्केट में भाई, जहां पे मैंने पिया ये कढ़ाई में कड़ता हुआ गुलाब के पत्तों और केसर के बीच में बिल्कुल गर्मा गर्म तबीयतदार दूध। तो भाई इस वीडियो को हम यहीं पे रोक देते हैं क्योंकि ये था हमारा डे वन। अब कल चलते हैं डे टू पे अगली वीडियो में, जहां पे हम करेंगे सरहद को पार। और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अरे अमृत बाणी।